वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हमारा इंडिया इतिहास के टॉपिक वाइज जो है वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, जिसमें आपको टॉप 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें प्रमुख नेता है वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। ये प्रमुख नेता है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने हैं, क्योंकि टॉप 100 प्रश्न यानी लगभग क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, और कुछ मैंने एनसीईआरटी बुकों से तैयार किए हैं, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रताप क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, आज पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था, ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। इसका है बाल गंगाधर तिलक का। आगे बात करते हैं, देखिए दो नंबर क्वेश्चन की। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहां निष्कासित किया गया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1908 में क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहां निष्कासित कर दिया गया, तो बर्मा म्यांमार के अंदर इन्हें क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तीन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था, यह है अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यह है विनायक दामोदर सावरकर, जिसे कहते हैं हम वी डी सावरकर। तो इनका शॉर्टकट नाम है वी डी सावरकर, जिसे कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में स्थापित की गई थी। किसके लिए, क्रांतिकारी संगठन के रूप। आगे बात करते हैं चार नंबर क्वेश्चन, किसने निम्नलिखित में से कांग्रेस की नींव के सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रतिपादित किया था, क्या किया था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रतिपादित किया था, ठीक है, किसके अंदर, कांग्रेस की नींव के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। ये शब्द जो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रतिपादित किया, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो लाला लाजपत राय द्वारा संबंधित है। आगे बात करते हैं, देखिए पांच नंबर क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पांच नंबर, बाल गंगाधर तिलक के किस आरोप पर 1908 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, देखिए इन पर क्या आरोप लगाया गया था जो कि इन्हें 1908 में गिरफ्तार किया गया था, तो राजद्रोह के रूप में, इन्हें राजद्रोह के रूप में 1908 में गिरफ्तार किया गया था, किनको, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किन रूप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो राजद्रोह के रूप में इन्हें 1908 में गिरफ्तार किया गया था। छह नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए किसने आजादी के लिए भारत युद्ध 1857 लिखा था, गजब की पुस्तक है, ये बार बार पूछी जाती है, 1857 ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, तो ये लिखी थी वी डी सावरकर ने, किसके द्वारा लिखी गई है, वी डी सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आजादी के लिए भारत युद्ध 1857। आगे बात करते हैं, देखिए सात नंबर क्वेश्चन की, एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था, देखिए एनी बेसेंट के अलावा जो है भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था, वो जो है कौन कौन से नेता थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए आठ नंबर क्वेश्चन की, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस द्वारा, ये है सूरत अधिवेशन की घोषणा की गई थी 1907 के। आगे बात करते हैं, देखिए नौ नंबर क्वेश्चन की, अगला नौ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वी डी सावरकर के बारे में सही है, देखिए उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये कथन सही है बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी, देखिए इसमें जो है आगे और देखते हैं, अगले जो है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, यह कथन भी सही है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े,
तो देखिए इसमें जो है रॉन्ग क्या हो जाएगा, आगे हम बात करते हैं। देखिए सही उत्तर का इसमें चयन होगा, तो सही उत्तर है इसमें 1, 2, 3, 4, यानी जो सभी कथन है ये सभी कथन सारे के सारे सही है इसमें। आगे बात करते हैं, देखिए 10 नंबर, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। देखिए वीडी सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन का नाम क्या था जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभिनव भारत, बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इनका संबंध याद रखना कि अभिनव भारत का संबंध किसे है, वीडी सावरकर से। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए काला पानी उपन्यास व मेरा आजीवन कारावास आत्मकथा किनके द्वारा लिखा गया था। काला पानी उपन्यास व मेरा आजीवन कारावास आत्मकथा किनके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। किनके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, जो अभिनव भारत है उसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने कब की थी, 1904 के अंदर की थी, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्होंने 1899 में क्या किया, एक मित्र मेला जो है परिवर्तित हो गया था। आगे बात करते हैं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वीडी सावरकर को इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समाज से संबंध रखने के कारण 1910 में गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया, ये याद रखना। इनसे संबंधित जेल कौन सी है कि इन्हें क्या कर दिया गया, ये क्या थे, जैसे इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समाज से संबंध रखने के कारण इन्हें क्या गया, 1910 में गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया, तो इन्हें भेजा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक सेलुलर जेल थी वहां पे भेजा गया था, और ये सेलुलर जेल का संबंध किससे है, वीडी सावरकर से, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, विचार करने वाले। उन्होंने बंगाली संस्कृति के उत्थान के लिए एक पत्रिका बग दर्शन को प्रकाशित किया, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आनंद भट्ट के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला की भी रचना की थी, ये भी कथन सही है, ये याद कर लेना। इनकी आनंद भट्ट तो है ही इनकी, उन्होंने उपन्यास लिखे थे एक दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, किनकी है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की। आगे देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कथन सत्य बताना है इसमें। देखिए इसमें कथन थे ए और बी, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सत्य है, पीछे बात करते हैं हम। देखिए तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो इन्होंने बग दर्शन प्रकाशित की थी पत्रिका है, ठीक है, किसके लिए, बंगाली संस्कृति के उत्थान के लिए लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है बग दर्शन। एक इन्होंने आनंद भट्ट लिखा था और उपन्यास है इनके दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी के। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद भट्ट में किस विद्रोह का उल्लेख है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है आनंद मठ पुस्तक है या उपन्यास है इनका कुछ भी, तो उसमें क्या है, किसका उल्लेख है, स्पेशल किनका उल्लेख है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें उल्लेख है इसका सन्यासी का, एक सन्यासी का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना किसने की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। अब नारा आपको याद है कि जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, लेकिन कब दिया इसका जवाब आपको देना पड़ेगा एग्जाम में, तो इसका जवाब है 1916, 1916 में दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। देखिए किस भारतीय क्रांतिकारी को अक्सर बलराज उपनाम से जाना जाता था, ये मोस्ट कह लेना, बलराज के उपनाम से जाना जाता था, वो थे चंद्रशेखर आजाद, इन्हें बलराज के उपनाम से जाना जाता था। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसे कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देश का नायक किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था कि देश का नायक, ये किसने कहा था, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि ये देश के नायक है। आगे बात करेंगे, देखिए 19 नंबर, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है शेर ए पंजाब, क्योंकि लुधियाना से संबंधित थे, तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मिला हुआ है, इन्हें 1988 के अंदर मिला था, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन तो किस देश में हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर के अंदर, ये याद कर लेना। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर के अंदर। आगे बात करते हैं 22 नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये कथन किसका है? ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। आगे बात करते हैं, अपनी जेल की कोठरी में भगत सिंह ने मौत के सामने भगवान को स्वीकार नहीं करने के कारण घमंड का आरोप लगाते हुए एक जवाब लिखा, उस पर्चे का शीर्षक क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस पर्चे का शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये है ठीक है भगत सिंह का, ये पर्चा इन्होंने जवाब दिया था, मैं नास्तिक क्यों हूं। आगे देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जो टॉपिक है वो उनसे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1907 को। क्या हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, बगा पाकिस्तान के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? अब किसने किया था नौजवान भारत सभा का गठन? भगत सिंह ने। और ये कब किया था? ये किया था 1926 में, ये आपको याद रखना, 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, देखिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने चलाया था हिंदुस्तान समाजवादी लोक प्रजातांत्रिक पार्टी। क्या चलाया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। किनके साथ? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद के साथ। आगे बात करेंगे, देखिए 27 नंबर, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को क्या दिया गया था? फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और 23 मार्च को क्या है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को कहां पे? लाहौर जेल में। कहां पे दी गई थी इन्हें? लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा सकता है कि लाहौर जेल में इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। आगे बात करते हैं, देखिए, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो असेंबली में इन्होंने बम कब फेंका था? ये फेंका था, इन्होंने कांड किया था 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, ये कहां पे फेंका? इन्होंने असेंबली पर फेंका था। किसने? भगत सिंह ने, 1929 के अंदर। आगे बात करेंगे 29 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भगत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या है कि कौन सी पुस्तक है जो भगत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? मैं नास्तिक हूं लिखी गई है, जेल डायरी और अन्य लेख, और युवा राजनीति कार्यकर्ताओं के लिए, और जेल डायरी। इसमें देखिए कौन सी जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? जेल डायरी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, मैं नास्तिक हूं इन्होंने अपना पर्चा दिया था, जेल डायरी और अन्य लेख ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, और युवा राजनीति कार्यकर्ता के लिए ये भी इनका प्रमुख पुस्तक है। आगे बात करते हैं, देखिए, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विपिन चंद्र पाल के बारे में, विपिन चंद्र पाल के बारे में सही कथन की बात करें तो वह कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे, नहीं, जो है कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे, ये क्या थे? कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए 31 नंबर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक वह कांग्रेस के तीन उग्रवादी देशभक्तों की त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल कहा जाता था। देखिए किसको और कहा जाता था, इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ थे विपिन चंद्र पाल, एक तो थे लाला लाजपत राय, लाल हो गया, उसके बाद बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गए विपिन चंद्र पाल। तो त्रिमूर्ति है इनका, आपको नाम याद रखना है। आगे बात करेंगे 32 नंबर, देखिए, विपिन चंद्र पाल को भारत में किस रूप में जाना जाता है? विपिन चंद्र पाल को भारत में किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें क्रांतिकारी विचारों के जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए, विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, विपिन चंद्र पाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 के अंदर, 1986 के अंदर
विपिन चंद्रपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में टॉप 100 के साथ क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो प्रमुख नेता थे मैंने निचोड़ इनका पूरा निकाल लिया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से मैंने पूरे के पूरे आपको जो है टॉप क्वेश्चन देता जा रहा हूं। और अब हमारे इंडियन हिस्ट्री के दो टॉपिक और बचे हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के, उसके बाद हम राजस्थान हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है राजस्थान जी के, या हम क्या करेंगे इंडिया की बात करेंगे, जो इंडिया के क्वेश्चन है या पॉलिटिकल के, तो हम राजस्थान की हिस्ट्री इसमें चर्चा करेंगे। तो टॉपिक वाइज आपको जो है मिलता जाएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे से जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फादर ऑफ है रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है विपिन चंद्रपाल, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। तो इसका अर्थ क्या होता है, भारत में क्रांतिकारियों के जनक। तो हो सकता है आपको इंग्लिश में दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, विपिन चंद्रपाल को ही भारत में क्रांतिकारियों के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, देखिए ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठी समाचार पत्र का नाम बताइए। ये है केसरी, इनका ये है कौन सा है, केसरी मराठी समाचार पत्र है, ये किनका है, बाल गंगाधर तिलक का, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए 36 नंबर, विपिन चंद्रपाल ने 1906 में कौन सा पत्र निकाला था। विपिन चंद्रपाल ने 1906 में कौन सा पत्र निकाला था, तो इन्होंने निकाला था वंदे मातरम। कौन सा, वंदे मातरम जो है पत्रिका विपिन चंद्रपाल ने 1906 में निकाली थी। आगे बात करेंगे 37 नंबर, इंडियन नेशनलिज्म और स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन क्वीन विक्टोरिया महत्वपूर्ण रचनाएं किन की है। तो ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये है विपिन चंद्रपाल की। देखिए इंडियन नेशनलिज्म है, स्वराज एंड द प्रेजेंट ये है सिचुएशन, और क्वीन विक्टोरिया और महत्वपूर्ण रचनाएं किन के है, विपिन चंद्रपाल की। आगे बात करते हैं, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन की, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। यानी बाल गंगाधर तिलक को इनका नाम लोकमान्य किस आंदोलन के तहत दिया गया था, ये दिया गया था इनको क्रांतिकारी आंदोलन के तहत इनका नाम लोकमान्य कहा गया था। आगे बात करते हैं, देखिए भगत सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ बने हुआ है, ये बना हुआ है फिरोजपुर के अंदर, फिरोजपुर पंजाब के अंदर भगत सिंह का स्मारक बना हुआ है। आगे बात करते हैं, देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है, और ये एग्जाम में पक्का छपने वाला है। देखिए बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को, तिलक को आपको याद रखना है, तिलक को शांति का प्रतीक कहते ही हैं, स्वास्थ्य का प्रतीक कहते ही हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, यह भी पक्का कर लेना, गीता रहस्य नामक ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक का, ये भी गीता रहस्य तिलक के से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना गीता रहस्य नामक ग्रंथ तिलक का है। आगे बात करेंगे, देखिए अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भगत सिंह के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, कैप्टन सांडर्स का संबंध भगत सिंह से संबंधित था, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आगे बात करेंगे, कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर देवी चौधरानी आदि उपन्यास किनके हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो कपाल कुंडला पहले भी मैंने बताया था, मृणालिनी, चंद्रशेखर देवी चौधरानी, ये है विपिन चंद्र चटर्जी के, किनके, विपिन चंद्र चटर्जी के, कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर देवी चौधरानी। आगे बात करते हैं, देखिए बाल गंगाधर तिलक के बचपन का क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम था केशव, ये आपको याद रखना है, केशव इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए ये आ गया चंद्रशेखर आजाद वाला, आगे है चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर के नाम से कहकर कौन पुकारते थे, क्विक सिल्वर के नाम से, तो चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर के नाम से कौन पुकारते थे, ये पुकारते थे राम प्रसाद बिस्मिल, क्विक सिल्वर यानी पारा, तो चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर के नाम से
कौन पुकारते थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए सुखदेव का जन्म कब और कहां पर हुआ था? सुखदेव का जन्म कब और कहां पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब में, और कब हुआ था? 1907 के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति ने संध्या सुभाष चंद्र बोस ही थे, यह कथन किसका है? यानी गांधी जी के बाद सबसे प्रमुख नेता के रूप में माने जाए तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ये कथन किसका है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आरसी मजूमदार का कथन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, देखिए महान अंशों श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा छत्रपति शिवाजी आदि पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है? तो ठीक है, महान अंशों और श्री कृष्ण और महान अशोक है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? महान अशोक और श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा छत्रपति शिवाजी आदि पुस्तकें किनके द्वारा लिखी है? श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा छत्रपति शिवाजी आदि पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत के द्वारा महान अशोक श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा छत्रपति शिवाजी, लाला लाजपत के द्वारा। देखिए निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ये आपको पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन तो है बाल गंगाधर तिलक का, लेकिन इन्होंने ये कब व्यक्त किया, किस अधिवेशन में व्यक्त किया? इन्होंने लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 के अंदर ये बात कही थी, ये पक्का कर लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लखनऊ याद कर लेना, लखनऊ अधिवेशन 1916 का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, दिलचस्पी है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये है मैक्स मुल्लर का कथन है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी के साथ निम्न में से मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? अब क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न में से मुसलमानों में से ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी भी उठाई थी? तो इसमें थे, इसमें कौन थे? शौकत अली। कौन थे? शौकत अली के द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, देखिए किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? क्या कहा कि किसने कहा था कि आलोचना एक तो और स्वतंत्र चिंतन एक क्या है? क्रांतिकारी की दो विशेषता है, ये कथन है भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में संज्ञा दी है? देखिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, लेकिन ये संज्ञा किसने दी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे वेलेंटाइन सिरोल, इनके द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आगे बात करते हैं, देखिए वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय अपना जीवन व्यतीत किया था, वह कौन सी जेल है जहां पे सुभाष चंद्र बोस ने और लाला लाजपत राय ने अपना क्या किया था, जीवन व्यतीत किया था, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है कौन सी थी? बर्मा की मांडले जेल के अंदर, बर्मा की मांडले जेल के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 57 नंबर, किसने तिलक के देवावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ये कथन किसका है? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। गजब का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा था कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव है चला गया, ये कथन है महात्मा गांधी का। कौन? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए 1948 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कब की थी? 1948 में, ये की थी सिंगापुर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1948 में सिंगापुर में की गई, तो वहां पे इसका सेनापति किसे बनाया गया? मोहन सिंह को, ये पक्का कर लेना क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? ये शब्दावलियां बहुत ही परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है फर्स्ट क्रिटिकल एग्जाम में अब की बार पक्का पूछा जाएगा। देखिए भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया जाता है। अगर इन टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए 5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 10 नंबर का काम करेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 में से ओबीसी को लगभग
30 जो है क्वेश्चन इसमें सही करने होते हैं, और एसी को लगभग 25 से 22 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन 75 में से आपको अगर अजी अभी से जुटोगे तैयारी में तभी सही कर पाओगे, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव लगी होती है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, हमारे अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो हमारा सरल सा लगता तो क्वेश्चन सरल सा है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अभी से जुट जाइए। प्रथम प्रश्न पत्र का 40% इसका पास मार्किंग है। क्षेत्र में से आपको ओबीसी वालों को 30 नंबर लेने होते हैं, यानी 40% पेपर का पास मार्किंग है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है, हिंदी बन रहा है, एसएसटी बन रहा है, उसमें में अच्छी तरीके से तैयारी रखें। अगर आपका ये जो प्रथम प्रश्न पत्र भी पास नहीं है, तो सेकंड में कितनी भी आपकी तैयारी हो, 100% तैयारी हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करें, और मैं स्पेशल टॉपिक वाइज आपको जो टेस्ट सीरीज यानी मॉडल टेस्ट के रूप में दे रहा हूं, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं, देखिए 61 नंबर की। देखिए 1940 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समय कौन की अध्यक्षता की थी? क्या है कि 1940 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समय की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इसमें अध्यक्षता की थी भुल्ला भाई देसाई ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 62 नंबर, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक कौन है? गांधी बनाम लेनिन के पुस्तक कौन है के लेखक हैं सुभाष, कौन है? मोहन सिंह। यह एस ए डांगे, मोहन सिंह क्या? यह गांधी बनाम लेनिन की बात आ जाए तो एस ए डांगे की पुस्तक है ये, गांधी बनाम लेनिन। आगे बात करते हैं, देखिए 63 नंबर, स्प्रिंग स्प्रिंग टाइगर आत्मकथा, स्प्रिंग स्प्रिंगिंग टाइगिंग आत्मकथा किनकी है? ये है सुभाष चंद्र बोस की। किनकी है? सुभाष चंद्र बोस की। किनकी है? सुभाष चंद्र बोस की। आगे बात करते हैं, देखिए 64 नंबर, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी थी? इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी थी? ये भी किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस की है ये भी। आगे बात करते हैं, देखिए इनमें से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? देखिए कथन अच्छा है, ये लिखा था कि भारत की मुक्ति क्या है, गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, तो ये लिखा था लाला लाजपत राय का कथन है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए दुर्गेश नंदिनी, पहले भी मैंने बता चुका हूं, आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये किसके हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले बताया अच्छी तरीके से, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ उपन्यास किसके इन चारों में से, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, पता चले कि आप कितने की तैयारी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन की, देखिए भारत की प्रथम राजनीतिक कैदी कौन माने जाते हैं? भारत के जो प्रथम राजनीतिक कैदी है वो कौन माने जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं 68 नंबर, देखिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग में से कौन सा नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद ये जो है जांच गठित आयोग गठित किए गए थे, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए शहनवाज खान, सुरेंद्र चंद्र बोस, एस एन मंत्रे आयोग 1956 में लाया गया था नेहरू के समय। ठीक है, जी डी खोसला आयोग 1977-74 में इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। मनोज कुमार मुखर्जी आयोग 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाया गया था। ये सभी सही है, ये सारे जो जांच हेतु गठित आयोग बनाए गए थे। अब आपको याद क्या रखना है कि किन के समय ये बनाए गए थे, एक तो पहला बनाया गया था जो शहनाज बाज खान है, ये नेहरू के समय बनाया गया था। जी डी खोसला का आयोग जो इंदिरा गांधी के समय, मनोज कुमार मुखर्जी का आयोग है अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1999 में, यह सन भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से असम्मिलित करना है, देखिए प्रमुख नेता है और जन्म स्थान है। देखिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे होता है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है मध्य प्रदेश के झाबुआ के अंदर, ये कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है उड़ीसा के कटक के अंदर, ये सही है। आगे बात करते हैं, भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के अंदर बागा के अंदर होता है। आगे राज बिहारी बोस का जन्म उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं होता है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर राज बिहारी बोस का जन्म हुआ था। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल में। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कहते हैं
निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गरम दलिया आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये बाल लाल बाल पाल ये सारे कौन थे? ये गरम दल आंदोलन से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए अनुशीलन समिति संबंध है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध है वीडी सावरकर का, ये एक समिति थी क्रांतिकारियों की, वीडी सावरकर का। आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का जो किसको है, यह है बाल गंगाधर तिलक को। आगे बात करते हैं, देखिए किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? ये कथन है लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत राय का। आगे बात करते हैं, देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? ये हुई थी 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 के टाइम। आगे बात करेंगे, देखिए 76 नंबर, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर हुई थी, 1913 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब मैं आपको स्पेशल ये टॉपिक क्लियर होने के बाद जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं जितने भी, तो मैं आपको स्पेशल एक ही वीडियो में दूंगा। पहले आपको टॉपिक वाइज टॉप 100 के बाद हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री क्लियर करने के बाद मैं स्पेशल जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो मैं स्पेशल आपको वीडियो दूंगा, ठीक है? जहां से हमारे आगामी एग्जाम में जो है दोबारा रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे ये, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखिए किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये किसने कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी चिरोल ने, इनके द्वारा, वी चिरोल के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए कथन दिया हुआ है, फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन सेकंड कहता है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का दल संगठित, एक दल संगठित किया था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बात करें तो आगे देखिए इसके दोनों कथन व्यवस्थित सही है और कथन सेकंड और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन व्यवस्थित सही है और कथन सेकंड है, कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड असत्य है, कथन सेकंड सही है परंतु कथन फर्स्ट है सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों कथन व्यवस्थित सही है और कथन सेकंड और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यह नारा किसने बुलंद किया था कि एशिया एशिया वासियों का है? किसने कहा था कि एशिया क्या है? एशिया वासियों का ही है, ये कथन है रास बिहारी बोस का, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखिए आर्टिकल होम ऑफ द वेदाज टिनिटस ऑफ द न्यू पार्टी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की, आर्टिकल होम ऑफ द वेदाज टिनिटस ऑफ द न्यू पार्टी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। आगे बात करते हैं, देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? ये जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2011 के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस प्रकार टॉपिकों से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, ये 2011 की जो भर्ती थी उसमें पूछा गया है, ठीक है? तो मैं आपको जितने भी पेपर हुए हैं उनका विश्लेषण करवाऊंगा। तो ये कौन सा था? नागपुर अधिवेशन। कौन सा? नागपुर अधिवेशन। आगे बात करते हैं, देखिए चंद्रशेखर आजाद की कहां पर गोली मारकर हत्या की गई? ये भी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने उठाया है क्वेश्चन। तो चंद्रशेखर आजाद को कहां पर गोली मारकर हत्या की गई थी? इलाहाबाद के अंदर। कहां पे? इलाहाबाद के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए
85 नंबर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, ये भी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, ये भी आपको याद करना है। तो ये कितनी बार, दो बार बने थे, कितनी बार, दो बार। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, दो बार बने थे। तो ठीक है, आज के लगभग इतने क्वेश्चन बने थे तो मैंने आपको अपलोड करवा दिए हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ ही जो विद्यार्थी ईआरओ और आरओ एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है ओनली 50 रुपए में दोनों के, ठीक है, राजस्थान का और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय का, जहां से हमारे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता है करंट अफेयर्स का। अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिए, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से स्टेशन को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और जो विद्यार्थी सीईटी की एग्जाम की या ऑल इंडिया की राजस्थान की तैयारी करें, जहां पे आपका विश्व कप गोल्ड भारत कप गोल्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक वाइज, इसमें आपको मिलेंगे, इसका प्राइस 50 रुपए है। आगे देखिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चाहिए आपको स्पेशल इंडिया की 2023 की, तो इसमें क्या है, आपको दो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरे एक साल के लिए इसमें एक तो मंथली टेस्ट सीरीज मिलेगी प्लस में पीडीएफ फ्री मिलेगी, और इसका प्राइस है 50 रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए इंडिया प्लस वर्ल्ड की। जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मौका बाद में नहीं मिलेगा आपको। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए इसको, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके, और जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 में इसको टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीडीएफ 50 रुपए में कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल जो विद्यार्थी ईओआरओ के एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके लिए स्पेशल इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स का पिछले 2022 का और जनवरी 2000 फरवरी 2023 का रिवीजन चल रहा है, तो डेली वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली लाइव आपको 8 बजे क्लास मिलती है। और इसी के साथ ही आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो देखिए, और ईआरओ एग्जाम के लिए स्पेशल 2000 स्पेशल जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आपको स्पेशल अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का निचोड़ मिलने वाला है। पूरे 8 महीनों का मैराथन होगा, पूरा निचोड़ मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पहले अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर फैक्ट बताया जाएगा, वो फैक्ट ही महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता है, फैक्ट से पूछा जाता है ज्यादातर। तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है और इसकी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। जो विद्यार्थी ईआरओ के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 का पूछा जा सकता है जुलाई से 2000 फरवरी 2023 तक, क्योंकि 1.5 साल का आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। मैराथन क्लास होगी, आपको जरूर देखनी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, और इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, जय हिंद जय भारत दोस्तों।